अपार्टमेंट 2 का ट्रेलर आ चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम सब बहुत एक्साइटेड थे फॉर द शो ऑफ कोर्स, बट हमने जब ट्रेलर देखा, जो हमसे भी एक सीक्रेट रखी गई थी बिकॉज फॉर प्रोटोकॉल्स एंड एवरीथिंग, आई वॉज ब्लोन अवे व्हेन आई सॉ द ट्रेलर. एंड इन फैक्ट इट वेंट ऑन यूट्यूब एंड विद इन 4 hours वी हैड 1 crore प्लस व्यूअरशिप, एंड इन 2 days और 3 days वी हैड 2 crore प्लस व्यूअरशिप, विच इज़ अ वेरी यूनिक थिंग फॉर अ ट्रेलर टू हैपन. बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा, देसी सा, स्पाई, गालियाँ, खून खराबा, गन्स, सेक्स, वायलेंस, सब कुछ जो एक इंडियन ऑडियंस को पसंद है, जो कभी चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज वी कैन ट्राई टू बी ऑल सोफिस्टिकेटेड एंड कूल, बट ये बेसिक चीज़ें हम बॉलीवुड लोगों को पसंद हैं. सो आई वॉज रियली रियली इम्प्रेस्ड विद द ट्रेलर, एंड आई थिंक द एंटायर कंट्री इज. आई जस्ट होप द शो मैचेस अप टू द एक्सपेक्टेशंस दैट वी हैव नाउ. जब आप शो देखेंगे आप समझेंगे, क्योंकि हर बार जब आपको लगता है कि इसने उसकी काटी और उसकी भी कटती है, फिर आपको लगता है ये उसकी बजा रहा है वो उसकी भी बजाता है, तो इसमें कोई बचता नहीं है. मेरा भी जब आप रोल देखेंगे आपको लगेगा कि ये सबको कच्चा खा रही है, लाइक यू नो सबकी फूक निकाल दी है इस लड़की ने, फिर इसकी भी निकलती है. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द राइटिंग ऑफ द शो, दैट देयर ट्विस्ट एंड टर्न्स, एंड एवरी टाइम यू फील लाइक दिस वन्स द हीरो एंड दिस वन्स द लूजर बिकम्स द हीरो. सो कुछ ना कुछ चलते चलते रहता है नॉन स्टॉप. हर एपिसोड के एंड में आपको लगे यू नो यू जस्ट लाइक टेकन अ बैक. सो सबका कटेगा उसका यही मतलब है कि कोई बचने नहीं वाला है बेसिकली. जैसे कि इसमें आपका रोल क्या है, एग्जैक्ट आप इसमें कौन सा कैरेक्टर प्ले कर, आपका पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, क्या है? सो सुखमनी ने आज तक हमेशा सिर्फ पॉजिटिव रोल्स करे हैं, जहाँ पर जो मुझे कैरेक्टर्स मिलते हैं, बड़ी क्यूट सी बबली चर्पी लड़की होती है जो बहुत बोलती है. जो मेरा पिछला शो था दिल बेकरार डिज्नी हॉटस्टार पे, उसमें एक बहुत ही यू नो लाइक टॉकेटिव लड़की थी जिसको लगा था कि वो बड़ी सुंदर है, गर्ल नेक्स्ट डोर बेसिकली. जब मुझे अपहरण 2 के लिए कॉल आया था डिंग से, तनवीर जो मेरे हमारे प्रोड्यूसर हैं और एकता मैम से, उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा ये जो रोल है ये नेगेटिव रोल है, एंड मतलब वो ऐसी लड़की है कि वो पिंक लिपस्टिक नहीं लगाती, वो ब्लैक लिपस्टिक लगाती है, उसके नेल्स ब्लैक रहते हैं, शी इज़ हार्टलेस, शी इज़ कोल्ड हार्टेड, शी डजंट गिव अ डैम अबाउट एनीबॉडी. तो मैंने कहा मैं, आर यू श्योर यू वांट मी टू बी इन द शो? सो इवन माई कास्टिंग डायरेक्टर, ही थॉट दैट आई वॉज द राइट पर्सन फॉर इट. सो आई वॉज वेरी सरप्राइज, बिकॉज इन माई हेड आई एम दिस लाइक वेरी लाइक गर्ल नेक्स्ट डोर, स्मॉल टाउन गर्ल, मैं अमृतसर से हूँ. तो मैंने कहा यार पता नहीं ये लोग ऐसे कुछ सोच रहे हैं, कुछ तो सोच ही रहे होंगे, सब लोग सोच रहे हैं, तनवीर भी, एकता मैम भी, यू नो कुणाल भी, सब सोच रहे हैं, तो कुछ सोच रहे होंगे. सो मैंने ऑडिशन फॉर इट, ऐसे ही मेरा ऑडिशन का सीन था जब वो एक सोफे में बैठी है और उसके हाथ में एक गन है और सीधा सवाल पूछती है और सीधा जवाब मांगती है, सीधा सवाल पूछती है, और वो ब्लिंक भी नहीं करती है लड़की, और हंसी तो दूर की बात है, स्माइल भी नहीं करती है, शी इज़ वेरी हार्ड. तो जब मैंने ऑडिशन पढ़ा मैं खुद से डर गई. मैं नफीसा से डर गई, बिकॉज आई एम लाइक थोड़ा सा लाइक डरपोक का वो पर्सन. सो आई वॉज लाइक यू नो व्हाट, ये तो मुझे करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर मी. एंड नफीसा का रोल करके मुझे इतना मज़ा आया, वी शॉट इन सर्बिया, सो शी इज़ लाइक अ वाइट गर्ल जिसमें लगता है कि खून ही नहीं है लड़की में, यू नो लाइक सफ़ेद लड़की है और ब्लैक लिप्स हैं और ग्रीन लेंसेज हैं और वो फॉर कैप्स पहनती है, वो ओवर कोट्स पहनती है, लेदर पैंट्स पहनती है, बूट्स पहनती है, ज़्यादा नहीं बोलती है, कम बोलती है, बट जब वो बोलती है तो बड़े बड़ों की मतलब बोलती बंद हो जाती है. तो इस शो में जो विलन है वो उसको भी डरा के रख रही है. सो फॉर मी इट वॉज वेरी इंटिमिडेटिंग, वेरी एक्साइटिंग, वेरी चैलेंजिंग. एक्शन सीक्वेंसेज हैं, बैक किक करती है, पंच मारती है. मैं मक्खी नहीं मार सकती हूँ रियल लाइफ में. मैं कॉकरोच से डर जाती हूँ. सो फॉर मी इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू डू दिस, एंड आई लर्न मिक्स मार्शल आर्ट्स, एंड आई लर्न किक बॉक्सिंग एंड लॉट ऑफ अदर सॉर्ट्स ऑफ एक्शन सीक्वेंसेज. फॉर मी इट वॉज, इट विल ऑलवेज बी अ मेमोरेबल कैरेक्टर टू प्ले नफीसा बिकॉज इट वॉज डिफरेंट फॉर मी. ओके, क्या चैलेंजिंग लगा आपको ये नफीसा का रोल प्ले करने के लिए, क्योंकि आपने कहा भी ये सबसे अलग रोल था आपका? एक तो ये नेगेटिव रोल है मेरे लिए, तो ये बहुत डिफरेंट है. मुझे हर चीज़ पे हंसी आ जाती है. इस लड़की को इतना सीरियस रहना है, पूरे ब्लिंक नहीं करना है पूरे शो में, ऐसी टाइप की चीज़ें, और इट्स वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई रियल नेचर. उसके अलावा
मैं जिम जाती हूँ ऑफ कोर्स एंड आई एम स्ट्रांग एंड एवरीथिंग, बट मेरे मिक्स मार्शल आर्ट्स एक्शन सीक्वेंसेस में कोई नॉलेज नहीं थी. सो आई टुक प्रॉपर क्लासेस फॉर 2 मंथ्स. आई लर्न हाउ टू किक इन द एयर एंड लड़ना भी किस बंदे के साथ है, अरुण होते हैं, मतलब कहाँ वो किसकी हाइट क्या है, मेरी हाइट क्या है, वहाँ तक किक पहुँचेगी कैसे उसके मुँह तक, तो मतलब एक अलग ही किस्सा है. सो जब आप शो देखेंगे यू विल रियलाइज कि फॉर मी इट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट, विच इज़ वाई मैंने कभी भी वैम्प का रोल प्ले नहीं किया है. और उसके अलावा जो मैं आपको बता नहीं सकती, एक और उससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग ट्विस्ट है अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग अ वैम्प लाइक अ बैड लेडी इन द शो. उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जो जब मैंने वो स्क्रिप्ट में पढ़ा एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड कांट वेट टू वॉच द शो. सो दैट वाज दैट. यू विल वॉच, व्हेन यू वॉच द शो यू विल सी इट. वो एकदम तोड़ू टाइप ट्विस्ट है स्टोरी में. आई थिंक ऑल्सो वट हैपन वॉज मेरे को डेंगी हुआ था और उसके एकदम 20 दिन के बाद मुझे कोविड हुआ था. और कोविड के 14 दिन इन लोगों ने मुझे, मेरा नेगेटिव रिपोर्ट आया, दे मेड मी फ्लाई टू हरिद्वार. उन्होंने मुझे बोला तुम्हारी एक्शन सीक्वेंस है आज. मैंने बोला क्या? मैं एकदम मरी हुई लाइक. सो आई थिंक आई वॉज 4 kgs लेस. आई जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम डेंगी एंड कोविड. आई वॉज वेरी एग्जॉस्टेड एंड आई टू डू दिस मैसिव एक्शन सीक्वेंस. आई थिंक दैट वॉज माई एक्चुअल टेस्ट इन द इंडस्ट्री कि सुखमनी बीमारी हो या जो भी हो, काम काम होता है और तुम्हें ये करना है आज, तो क्या करोगी तुम. एंड आई हैड टू डू इट. आई हैड टू डू अ वेरी बिग एक्शन सीक्वेंस ऑन द टॉप ऑफ अ ब्रिज व्हेन आई हैड जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम 40 days ऑफ बीइंग बेड रिडन. एंड यू नो हाउ यू आर 40 days के बाद ना, तुम खड़े होते तो नीज भी वीक होती हैं, यू आर जस्ट वीक ना. सो वो सब, बट आई थिंक दैट वॉज अ ट्रू चैलेंज एंड वी डिड इट एंड इट केम आउट रियली वेल. एंड मैंने भी अभी तक देखा नहीं वो एक्शन सीक्वेंस, बट आई एम डाइंग टू वॉच इट 18th को. आई थिंक सबसे ज्यादा मेन चैलेंज यही था, द फिजिकल स्ट्रेंथनिंग वॉज द मेन चैलेंज फॉर मी. या जैसे कि सीजन 1 में दिखाया गया था कि लड़की को किडनैप किया था, लेकिन सीजन 2 में ये दिखाया जा रहा है ट्रेलर में कि किसी माफिया को किडनैप करना है, तो क्या है पूरा? मैं ज़्यादा नहीं बता सकती आपको क्योंकि कौन किडनैप हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन बचाता है, कौन नहीं बचाता है, इज़ ऑल वॉट अपर एंड टू इज़ अबाउट. बट मैं आपको ये चीज़ पक्का बता सकती हूँ, अगर आपको लगा था कि अपहरण 1 इज़ बॉलीवुड एंड मसाला, दिस इज़ उसका बाप. मतलब जैसे अपहरण 1 में आप बोल सकते थे ना, ऐसे थोड़ी ना होता यार, बट वही तो है अपहरण 1, इट्स लाइक अ शोले. मतलब वही सब चीज़ें थी अपहरण 1 में. अपहरण 2 में हमने उसको भी अप करा है. एंड सीजन 2 बनाना बहुत मुश्किल होता है फॉर एनी शो, बिकॉज इफ़ 1 डज वेल इट्स अ चैलेंज. आई एम ऑल्सो राइटर, सो आई नो दैट वेन समबडी आस्क यू टू बी अ पार्ट ऑफ सीजन 2, इट्स ओ माई गॉड, you know the pressure is double. So I think Alt and Ding have really done a fab job. So have the actors. Nidhi and Arunoday from season 1 have done even a better job in season 2. I think zyada koi characters add nahi hue the season 2 mein, sare purane actors hain, ek main hu aur ek Aditya, we were the only 2 additionals. To hum pe bahut pressure hota hai because agar show acha nahi karega dil se ye do naye actors aaye the, baki to purane wale hain. So I would take it as a challenge and I would say that yeah, hoping for the best. Okay, OTT platform आने से क्या फायदा हुआ है? क्या फायदा नहीं हुआ है? एक तो मेरे पापा ने चैनल टीवी लगाना सीख लिया लाइफ में. हमारे घर में पूरे टाइम स्पोर्ट्स और न्यूज़ नहीं चलता है. I'm just joking. I think it's an evolution in India. I acted in India's first web series. India में पहला वेब सीरीज आया था Love Bites. कुशाल पंजाबी और मैंने वो शो किया था. उस समय जब उन्होंने मुझे बोला था, मैंने कहाँ पे आएगा, तो दिस सेड OTT पे. तो मैंने कहा OTT क्या होता है? टीवी में आएगा? नहीं, टीवी में नहीं है. थिएटर में आएगा? नहीं, इंटरनेट पे आएगा. वैसे क्या बकरे हैं, बट चलो ठीक है, अभी ज़्यादा काम मिल नहीं रहे, कर लो. एंड दैट टाइम वी डिड लव बाइट्स एंड इट डिड रियली वेल एंड पीपल वर वॉचिंग ऑन द फोन एंड इट चेंज द होल फॉर्मैट एंड एवरीथिंग. बट नाउ आई मीन लुक एट इट, वेयर वी रीच्ड इन द लास्ट 2 ईयर्स. 2 साल में इतना आंखों के सामने आप देख रहे हो कि छोटे से बजट और वेब सीरीज टू नाउ अनुराग कश्यप टू द टॉप डायरेक्टर्स आर मेकिंग रादर मेक वेब सीरीज दैन मेक फिल्म्स. बिकॉज सम फिल्म्स हैव रिलीज एंड यू सीन देम नॉट डन वेल, बट वेब सीरीज आर डूइंग सो वेल. एंड उसके अलावा मैं क्या कहना चाहूँगी कि आई थिंक जो सबसे बड़ी और अच्छी चीज़ हुई है OTT में, कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, राइटर्स, एक्टर्स, एडिटर्स, लिरिसिस्ट, जिनको कभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है क्योंकि आप फिल्मी पिक्चरों का दरवाज़ा खोलना बहुत मुश्किल होता है, थिएटर पिक्चर का. बट OTT में क्या होता है,
छोटो छोटो को भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू शोकेस देयर टैलेंट. आगे उनमें टैलेंट है नहीं है उनकी लक की बात है, बट वो एक चांस उनको मिल जाता है बिकॉज इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने शोज बन रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी को एक चांस जरूर मिल रहा है. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड एंड आई फील रियली गुड फॉर पीपल इन माई इंडस्ट्री कि छोटे शहर से लोग आए हैं, हम हमारे जैसे लोग जो कभी भी शायद यशराज की पिक्चर में नहीं घुस सकते थे, बट हमको एक जैसे मैंने तांडव किया है अमेजोन के लिए, सीक्रेट गेम्स किया है नेटफ्लिक्स के लिए, अभी मेरा डिज्नी हॉटस्टार में लास्ट शो आया था, अब मेरा एक नेटफ्लिक्स पे एक शो आ रहा है, ऑल्ट हो गया, वूट हो गया. माई पॉइंट बीइंग कि बिकॉज आई कुड प्रूव माई सेल्फ इन सीक्रेट गेम्स और तांडव, नाउ आई एम गेटिंग मोर एंड मोर वर्क. आई हैव टू वर्क हार्ड एंड आई हैव टू हैव टैलेंट, बट एटलीस्ट दे गिव मी अपॉर्चुनिटी. सो आई थिंक OTT एंड ऑफकोर्स गोज विदाउट सेइंग लोग कितने एंटरटेन हो रहे हैं वो तो बात बोलने की अलग ही बात है कि यार कितने लोग हैं बोरियत वाले. आई डोंट मीन टू से इट इन अ बैड वे, बट विलेजेस में पीपल हु कांट वॉच मूवीज इन थिएटर्स ऑल द टाइम एंड कांट अफोर्ड आर रियली देयर लाइव्स हैव चेंज्ड यू नो फॉर द बेटर. दे आर रियली हैप्पी, दे हैव सो मच लुक फॉरवर्ड टू. सो आई एम रियली हैप्पी OTT इज डूइंग सो वेल इन इंडिया. OTT की ग्रोथ कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से ही हुई है, क्योंकि लॉकडाउन में कुछ नहीं बन रहा था, सब लोग आधे से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म ही देख रहे थे. बिल्कुल. तो जैसे कि अपराण 2018 में आया था, उसको बनने में 4 साल लग गया, तो आपको क्या पता था कि आप इसका पार्ट 2 का हिस्सा बनेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता था यार, ये बातें कभी किसी को पता नहीं होती है. मुझे ये पता था कि अपहरण 2 का लोग बहुत वेट कर रहे हैं बिकॉज मुझे पता था कि 1 डिड रियली वेल. एंड जब मैंने लोगों को बताया कि आई एम डूइंग अपहरण 2, एवरीबडी न्यू अबाउट इट सरप्राइजिंगली एंड एवरीबडी लव द शो. आई थिंक मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा तो जो आई थिंक विलेजेस में या छोटे शहरों में जो लोग हैं उनको अपहरण बहुत पसंद है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ऐसी है, गोलियाँ हैं, शोर शराबा है, खून है, वायलेंस है, सेक्स है, UP लैंग्वेज है. सो द मासेस रियली रियली न्यू अबाउट इट, यू नो. I did know that I'd be a part of it, but when I got the show, I knew I should do it because मैं वही typical sophisticated classy चीज़ें करती हूँ. I used to host travel shows for BBC, NDTV, तो हमारा बहुत English based, you know, like very upmarket kind of stuff used to happen. So I wanted to break my audience by doing this. I wanted to surprise them. I wanted to tap on to the second tier, the third tier of masses and the kind of people who watch shows like these, you know. Yeah, actually because audience to wohi hai, agar aap mujhse poocho to audience to wohi hai deep down inside. So yeah, and lockdown really made a lot of things. I think apart from the people who lost their lives, I think some really good things have come out of the lockdown. Lot of good things have come out of the lockdown for a lot of people, especially hamari industry ke liye, jo logo ko 2 saal mile the to write, to develop, to come up with things, जिसके लिए टाइम नहीं मिलता था, स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, स्टफ लाइक दैट. या ओके, अपहरण 2 का कोई फेमस डायलॉग आप बोलना चाहेंगे अपना? मेरा क्या प्लान है तुम हिंदुस्तानियों का? ओके, जाते जाते अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने फैंस को कहूँगी कि थैंक यू फॉर ऑल द लव जो आप हमें देते रहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ अगर आप लोग प्यार नहीं देंगे तो हम कुछ नहीं हैं आपके बिना. एंड एवरीबडी प्लीज़ वॉच अपहरण 2 एंड आई प्रॉमिस यू यू विल लाइक इट. इस शो में सब कुछ है जो हम लोग देखना चाहते हैं, प्यार है, गुस्सा है, खून खराबा, ट्विस्ट, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. एज अ राइटर ये मैं खुद कह सकती हूँ कि बहुत अच्छी लिखी हुई है, इट्स प्रोड्यूस्ड रियली वेल. Actors have done their best, so give us a chance and watch the show, and waiting for your love. Thanks. Thank you. Thanks.